सर जी मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है सर कि जो मेरी कैपिटल है उसको अभी समय आ गया कि सारा इन्वेस्टमेंट कर दूं, और दूसरा ये है सर कि जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो कम क्वांटिटी करता हूं ना तो हमेशा प्रॉफिट होता है, और ज़्यादा क्वांटिटी लेता हूं तो हमेशा एक बार भी मैंने नहीं कमाया, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में। और छोटे क्वांटिटी में भले एक लूँ या दो लूँ या पाँच लूँ, हमेशा ही प्रॉफिट में आया हूँ। ठीक है, बैठ जाओ, मैं देता हूँ। पहला इन्होंने बोला कि मैं अपनी कैपिटल जो है उसको बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ, जो आप अभी कर रहे हो जितनी कैपिटल आपकी है उसको बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, यही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, इनमें जितनी इनके पास कैपिटल रह गई है उसको मैं लगा दूँ या ना लगा दूँ। और दूसरा इनका है प्रश्न कि जब भी मैं छोटी क्वांटिटी करता हूं तो हमेशा मेरे को प्रॉफिट होता है, और जब मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूं तो मुझे हमेशा लॉस हो जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही मतलब आसान है और छोटा मैकेनिकल आंसर है, वो सेम जैसे मैंने इनको जवाब दिया था कि क्वांटिटी बढ़ा, आपको कैपिटल बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, इसका किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। पूछना पड़ रहा है इसका मतलब टाइम नहीं आया। अगर अंदर ये प्रश्न आ रहा है इसका मतलब समय नहीं आया अभी। जिस दिन अंदर से आवाज आ जाएगी ना, उस दिन किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन क्वांटिटी अपने आप आपकी जो है वो अंदर गई। कैपिटल कैपिटल को अपनी इंक्रीज करने का समय तब आता है जब आपके अंदर से कंफर्टेबल फीलिंग आनी शुरू हो जाए। और बाकी लोग तो आजकल जितने स्टॉक मार्केट में जितने लोग काम करते हैं, आपको पता है कैपिटल बढ़ाने के बारे में वो डिसीजन थोड़ा ना लेते हैं, वो डिसीजन तो मार्केट लेती है। 5 लाख लगाया, खत्म 4, अब ला और 4 और लाया, फिर 3 साफ, फिर 2 ला और 3। उसको पता है तुम्हारे खाते में कितने पड़े हैं। जब तक सारे खाली नहीं हो जाएंगे ना, वहां से मैसेज आता रहेगा व्हाट्सएप कि आपके कैपिटल शॉर्ट हो रही है, प्लीज और कुछ डिपॉजिट करवाइए। आएगा ना रोज। ज़्यादातर लोग तो खुद डिसीजन नहीं लेते, मार्केट की तरफ से आवाज़ आती है कि वो डालते हैं, लॉस हो जाता है, फिर डालते हैं, फिर लॉस हो जाता है, फिर डालते हैं, फिर लॉस हो जाता है। इस मार्केट के अंदर अपने स्टॉक अकाउंट से पे आउट लेने वाले विरले होते हैं, जो उसमें से कुछ निकालते हैं। डालने वाले होते हैं सारे। जिस दिन पहले दिन अकाउंट खुलाते हैं 50,000 लाख से खुलाते हैं कि ज़्यादा नहीं डालूंगा, थोड़े से ट्राई करूँगा। उसके बाद 2 साल बाद देखते हैं अंदर 10 लाख चले गए, पता नहीं चला कैसे चले गए। वो 50-50 करके 20 चले जाते हैं अंदर। ये तो मार्केट की कला है सर। दूसरा क्वेश्चन आपका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली कि मैं जब कम क्वांटिटी लेता हूं तो मेरे को प्रॉफिट होता है, और जब ज़्यादा क्वांटिटी कर देता हूं तो मुझे लॉस हो जाता है। ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल पॉइंट है इसके पीछे। जब थोड़ी क्वांटिटी होती है ना, आप कंफर्टेबल फील करते हो अपने आप को। आप हल्की फुल्की, वो जो इनका प्रश्न था, छोटे मोटे उतार चढ़ाव के अंदर आपको डर नहीं लगता, और आप बैठे रहते हो अपने डिसीजन के ऊपर जो आपने लिया हुआ है। किसी बेस पे लिया होगा ऑब्वियसली, मैं ये मान के चल रहा हूं। कोई चार्ट देखा होगा, कुछ और देखा होगा, आप उस पर टिके रहते हो कि 5 शेयर है यार, कोई बात नहीं, 20 रुपये का 25 का लॉस हो रहा है, कोई बात, पड़े रहना। लेकिन जहां वो क्वांटिटी आपने 20 की 500 की, वहीं पर क्योंकि वो लॉस आपके एक्चुअली दिमाग में, जितने लोग हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। हमारा दिमाग जो है ना, उसके काम करने का तरीका क्या है, वो अपने दिमाग अपने आप में ना एक लॉस की मान के चलता है फिगर, जहां कंफर्ट है उसको। उसके ऊपर जाते वो अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। जितने बड़े ट्रेडर होते हैं ना, उनकी वो फिगर बड़ी होती है। जो छोटे होते हैं उनकी वो फिगर छोटी होती है। जो स्टार्टिंग वाले होते हैं उनकी फिगर बहुत छोटी होती है। तो स्टार्टिंग वालों के अंदर उनका दिमाग ये मान के चलता है कि 2 लाख रुपए हैं, 10-20 हज़ार तक तो लॉस दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। दिमाग मानता है, हमें पता भी नहीं चलता। ये हमारा दिमाग मान के चलता है 10-20 हज़ार तक तो कोई कंफर्ट है, 40-30 हज़ार तक भी कंफर्ट है। अब छोटी क्वांटिटी होती है, आपने शेयर लिए 10, आपको लॉस हो रहा है 500 रुपये का। दिमाग कहता है अभी तो तेरे पास बहुत जगह है, अभी तो 20 हज़ार तक का लॉस देख सकता है तू, कोई बात नहीं, लगा रहे। बंदा लगा रहता है, वो सौदा कहीं फिर घूम फिर के प्रॉफिट में आ जाता है। उसी 5 शेयर को आपने कर दिए 500 या 5000। अब 5000 शेयर के अंदर वहां जहां 20 रुपए का लॉस था, 25 रुपए का लॉस था, वो शेयर का लॉस सीधा पहुंच जाता 40,000 का। वहां पे हमारा दिमाग कहता भाई बस अब निकल जाए यहां से, अब ये बहुत हो गया। और फिर स्टॉक की मूवमेंट आप नोट करना, 5 शेयर हो या 500 शेयर हो, मूवमेंट उसकी एक जैसी होती है। ये हमारी प्रॉब्लम है एक्चुअली, जो हमें डर लगता है, निकलते हम है ना सर, हमें घबराहट हुई थी, हमारा दिमाग हमें बार बार कहता है निकल यहां से, निकल यहां से, निकल यहां से, यहां से निकल, क्योंकि तेरा लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। 5 शेयर में प्रॉफिट इसलिए होता है कि 5 शेयर में आपका दिमाग वॉलेटिलिटी हैंडल करने के लिए तैयार है। उसके अंदर अपने इनर सेंस के अंदर जो उसने अपनी एक लॉस की सीमा बांध रखी है ना, वो उसकी जोन में आ रही है। क्वांटिटी बढ़ाते ही, लॉस की सीमा पार होते ही आपका दिमाग अलग तरीके से एक्शन करना शुरू कर देता है। ये मैंने अपने एक बार वीडियो में भी शेयर किया है। हमारा जो दिमाग है ना, उसको डिज़ाइन समझो। हमारे दिमाग की डिज़ाइनिंग ऐसी है कि ये अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, अपने आप को। मतलब हमारा जो ब्रेन है ना, हमारी बॉडी को और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी है, वो हर सूरत में आपको बचाना चाहता है, वो हर सूरत में ये चाहता है कि आप सेव रहो, आपकी बॉडी सेव रहे। इसीलिए आप, आज मैं चाकू लेके आपके पास आता हूँ और हाथ ऐसे करता हूँ, तो आप एकदम से आपका हाथ पीछे हट जाएगा, हटेगा ना, आप उसको लगेगा चोट। हाथ जो पीछे हटा, कैसे हटा, आदेश कहाँ से आया, ब्रेन से। एक डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, वहाँ पे कैसा रिएक्शन होगा, सेम। लेकिन इंजेक्शन लगाने में और चाकू में फ़र्क है। इंजेक्शन लगाया जा रहा है आपकी बेहतरी के लिए, चाकू मारा जा रहा है ताकि आपकी मौत हो जाए, लेकिन दिमाग का रिएक्शन सेम। दिमाग का एक ही रिएक्शन है, वो हटाएगा हाथ। दिमाग फर्क नहीं कर सकता कि कोई चीज़ आपकी बेहतरी के लिए की जा रही है या कोई चीज़ आपको हर्ट करने के लिए की जा रही है। उसका रिएक्शन है आपको बचाना, हर सूरत में उस चीज़ से दूर रखना आपको। तो जब भी वो लॉस आप देख रहे हो 40,000 का, दिमाग ये फर्क कभी नहीं कर पाएगा कि ये स्टॉप लॉस है और ये इसने पहले सोचा होगा। वो कहेगा भाई लॉस हो रहा है, बाहर निकलो, भाई लॉस हो रहा है, बाहर निकलो। जब उसकी सीमा के अंदर रहते हो ना, लॉस की सीमा के अंदर, तब आप कंफर्ट रहते हो। तो जैसे अभी मैंने इनको भी आंसर दिया था कि आप जॉब छोड़ने या छूट जाने वाली जो बात कर रहे थे, वो यही है। हमारा ब्रेन जो है ना, उसको जब उसकी लॉस खाने की क्षमता, देखने की क्षमता या ट्रेनिंग उस तरह की जब तक ना हो जाए, तब तक अपनी क्वांटिटी ना बढ़ाओ, जो मैंने आपको भी बोला था। क्वांटिटी अपने आप बढ़नी चाहिए धीरे धीरे, 5 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर, धीरे धीरे बढ़ाओ सर, धीरे धीरे। हमारी प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे ऊपर आती हैं चीज़ें, पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, सब कुछ धीरे धीरे। और हम एक ही दिन में अमीर बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। सीखने का प्रोसेस भी धीरे धीरे है, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी और आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को कि यार ठीक है, 40,000 का लॉस है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी क्वान्टिटी भी है और मेरे पास पीछे पैसे भी हैं। जब 40,000 के लॉस के अंदर दिमाग में कंफर्टेबल फीलिंग आनी शुरू हो जाए, उसको 3 महीने तक रखो, उसके बाद उसको 50 करो, फिर 60 करो, तब तक पैसे भी तो आ रहे हैं ना कहीं से, अपने आप बढ़ती जाएगी। आपको 50,000 के लॉस में दिक्कत आती है, कोई आदमी ऐसे भी हैं उन्हें 50 करोड़ में भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैपिटल 500 करोड़ है। लेकिन आपको 50 करोड़, आज मैं कहूँगा आपको इतना लॉस लेना पड़ेगा, आप तो छलांग मार दोगे ऊपर से यहीं से। मैं आपको आज दे भी दूं, मान लो, बेट कर सकता हूं मैं इस चीज के ऊपर, आप आओ मेरे पास वहां ट्रेडिंग पे, मैं आपको 5 करोड़ देता हूं और आपको कहता हूं आपको 2 करोड़ तक की छूट है, आप लॉस कर दो, आप करके दिखा देना मुझे लॉस। आप 5 लाख पार जाएंगे, बुखार हो जाएगा आपको, चाहे आपको पता है कि सुनील जी ने क्या रखा है, 1 करोड़ तक भी लॉस कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख ऊपर जाएंगे बुखार हो जाएगा आपको, क्योंकि दिमाग तैयार नहीं है आपका। आपका 5 लाख का लॉस होगा ना, आप कहोगे बस ये क्या हो गया, ओह, कभी 50,000 देखा नहीं, 5 लाख, हालत ख़राब। हमारी ट्रेनिंग होती है उसकी, धीरे 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 दिमाग अपने को उस चीज़ों में ढालता है, और जब वो ढाल लेता है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये सारे काम धीरे धीरे होंगे, स्टेप बाय स्टेप।